और आप लोग सब साथ काम कर रहे होते हैं, एंड देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब मिलके कराची को आगे लेके जाएं। अब फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स हमारे अपने असद उमर साहब, जिनकी काविशों और मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं और ये ग्रीन लाइन जो है ना उन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए जी, कुछ बताइए हमें इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, वफाकी वज़रा, हमारे अस्करी और सिविल इदारों के नुमाइंदे, SIDCL की टीम, पार्लियामेंटेरियंस कराची के सबको मैं आपको खुश आमदेद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। ये मंसूबा जो है, अभी मिसबा ने कहा कि ये मेरी काविशों की वजह से यहाँ तक पहुँचे, लेकिन हकीकत है नहीं ऐसी। ये जिस वक्त हुकूमत हमारी बनी तो शुरू में इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त गवर्नर साहब जो है खुद इसको सुपरवाइज कर रहे थे, और इनकी टीम जो थी खाकान मुर्तजा और बिलाल, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहता हूं क्योंकि वह आज यहां पर नहीं है, उनकी अब दूसरी जिम्मेदारी है, वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मंसूबे को यहां तक पहुंचाने के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा किया, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद दिसंबर 2020 में हमारी SIDCL जो है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गई, और SIDCL की टीम जावेद कुरैशी साहब, चेयरमैन SIDCL, नदीम लोधी CEO SIDCL, इन दोनों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आज यहां पर हम पहुंचे, और खुसूसी मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे पास एक एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग सिविल सर्वेंट है हमारे, जिनको आपने रिसेंटली अपॉइंट किया प्लानिंग सेक्रेटरी की पोजीशन के ऊपर, अजीज ओकेली साहब। सो ये कल रात को भी 3 बजे तक यहां पे थे जी, सो वेल डन अजीज। इन सब लोगों के यहां से आया, मैं भी आगे बात करता हूं हम आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कल से यहां पर एक कराची वालों की एंटरटेनमेंट के लिए एक मजाया खाका चल रहा था, तो मैंने कहा कि उसका भी जिक्र करते जाए। कल प्राइम मिनिस्टर साहब, एक साहब यहां पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे। तो मंसूबा उन्होंने ये बनाया था कि फरवरी 2016 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ, उसके बाद 28 माह उनकी हुकूमत रही, 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ, बसें जो इस पर चलनी थी उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ, जो ITS सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे ये सारा निजाम चलता है उसका RFP भी फ्लोट नहीं हुआ, जो पेमेंट सिस्टम है उसका डिजाइन भी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या शुरू भी नहीं हुआ था, जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका टेंडर नहीं फ्लोट किया गया था। और इसकी जितने भी लवाजमात हैं, तो मैं ही सोच रहा था कि शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा यह था कि एक ट्रैक बनाएंगे, साथ जंगला लगा देंगे, जंगले आपको पता है उनको बहुत पसंद, जिसमें भी सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो उनको पसंद आता है, तो शायद उनके जहन में यह था कि सुरजानी से लोग वहां से चढ़ा करेंगे इस ट्रैक पे और दौड़ते दौड़ते वो नुमाइश तक पहुंच जाएंगे और ग्रीन लाइन हम इसको कहेंगे। भैया खुदा का खौफ करो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी कराची की एंटरटेनमेंट नहीं पूरी। कल सुना है TV प्रोग्राम में किसी भी बैठे हुए तो उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता, कराची को खून ना दें, कराची का हक जो आपने 3 दफा वफाकी हुकूमत होते हुए कराची का हक नहीं दिया, खुदा का वास्ता उस हक को मिलने में कराची की अड़े ना आए, सिर्फ हम आपसे इतना मांगते हैं। फिर उसके बाद कल एक साहब जो है उनका स्टेटमेंट आ गया कि जनवरी 2021 से हमने SIDCL को बसों के पैसे दिए हुए, ये सिंध के वजीर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हमने SIDCL को, वफाक की कंपनी को, और ये तमाम पाकिस्तानियों की खास तौर पे सिंध वालों की याददाश्त के लिए, ये SIDCL कौन सी कंपनी है जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि हमने SIDCL को पैसे दिए हुए हैं, ये वही कंपनी है जिसको वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पाकिस्तान के सामने यह कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वफाक इस्तेमाल कर रही है सिंध के ऊपर कब्जे के लिए, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने पैसा दिया। तो पहला सवाल तो मेरा वजीर आला से यह है कि यार वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने से, सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है, यार एक बस ही खरीद लेते, बस खरीदने की सलाहियत नहीं है, SIDCL को पैसे दिए हुए। चले मैं आपको रिकॉर्ड पर यह भी बताया, तो कल मैंने ऑफर की थी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, बोले मेरे सामने आके साथ आके खड़े हो, मीडिया के सामने हम बात करेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एग्जैक्ट तारीखें बता दूं, 14 जून 2021 को SIDCL को पैसा दिया गया,
19 जुलाई यानी सिर्फ 35 दिन के बाद SIDCL ने LC खोल दी थी। ये ऑरेंज लाइन है जो अगली आ रही है, सिर्फ उसके अंदर 40 बसें और वो छोटी बसें हैं। वजीर आजम साहब, इससे बहुत छोटा मंसूबा है, टोटल ट्रैक भी सिर्फ 3.8 किलोमीटर है, तो असूलन तो उसको बहुत जल्द बना लेना चाहिए सिंध की हुकूमत को, लेकिन ये सोचते हुए कि 6 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो एक मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी, तो अल्लाह जानता है ये 3.8 किलोमीटर कब बनेंगे। वो मोटरवे भी सिंध के अंदर हैदराबाद सॉरी सक्खर से मुल्तान वाली जो है हमारी हुकूमत ने आके, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने मुकम्मल की, और हैदराबाद सक्खर की मोटरवे इंशाल्लाह ताला अगले 2 से 3 महीने के अंदर उसका वजीर आजम खुद जाके इफ्तिताह करेंगे। 200 अरब रुपए का मंसूबा। आप सिंध का नाम लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत सिंध के लिए काम करती है, फर्क सिर्फ इतना है। इसके अलावा क्या हो रहा है वजीर आजम, आपने पिछले साल सितंबर में, ये उस दिन एक मैंने बयान पढ़ा, मुझे बड़ी हंसी आई, खैर वो मासूम बच्चा है उसकी बात को ज्यादा माइंड तो करना नहीं चाहिए। वो बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा, आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत, वो नहीं कर सके। अब हम आपको बताते हैं कि सिर्फ 15 माह पहले जो वजीर आजम ने आकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का यहां पर ऐलान किया था, सिर्फ 15 महीने में उसकी पेशरफ्त क्या हुई है। 5 बड़े मंसूबे थे, उस 5 मंसूबों में से पहला मंसूबा ग्रीन लाइन का मंसूबा, ट्रायल ऑपरेशन आज वजीर आजम इसका इफ्तिताह कर देंगे। 2 हफ्ते ये ट्रायल ऑपरेशन चलेगा। 25 दिसंबर को शहर कायद के अंदर कायद की सालगिरह के दिन जो है कमर्शियल ऑपरेशन ग्रीन लाइन का स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेजुअली उसको 2 हफ्ते में बिल्डअप करके 10 जनवरी तक मुकम्मल फुल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया जी ग्रीन लाइन। दूसरा मंसूबा, 3 बड़े नाले कराची के जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई क्योंकि कोई सफाई का निजाम नहीं है, कूड़ा उसमें फेंका जाता है, बारिश जब ज्यादा होती है तो वो तो ये कह के निकल जाते हैं कि जब बारिश पानी आती है तो फिर क्या होता है, हलीम भाई को उसका डायलॉग ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं, तो वो तो डायलॉग बोल के निकल गए। हम क्या कर रहे हैं, 3 नाले हमारी जिम्मेदारी आई, महमूदाबाद, गुज्जर और उरंगी। महमूदाबाद नाला, वजीर आजम साहब आपको खुशखबरी देते हैं आपके जरिए, बाकी कराची को मुकम्मल हो चुका है और अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। गुज्जर और उरंगी नालों के ऊपर 50% काम हो चुका है। बाय द वे, महमूदाबाद नाला जो है वो अली जैदी साहब की MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके नीचे बिलाल गफार की MP की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है। उरंगी नाला जो है अमीन भाई की तरफ, वो बैठे हुए, अमीन भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 50% काम हो चुका है, अगली गर्मियों तक इंशाल्लाह ताला वो दोनों भी मुकम्मल हो जाएंगे। तीनों मंसूबे, ये तीनों नालों के सिर्फ नाले सफाई नहीं हो रही, कंक्रीट डिजाइन होकर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं बन रहे, साथ सीवेज लाइंस डाली जा रही हैं, साथ सड़कें बनाई जा रही हैं। महमूदाबाद के साथ दोनों तरफ 1 रोया सड़क और उरंगी और गुज्जर में दोनों तरफ 2 रोया सड़क बनाई जा रही है। 34 अरब रुपए है इन तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए, इंशाल्लाह ताला अगले साल वो मुकम्मल हो जाएगा। तीसरा मंसूबा, कराची पानी के लिए तरसावा, K4 12 साल से मंसूबा फंसावा, आधा बना के कहीं वो जा नहीं रहा था, पहले सुस्त रवि का शिकार था फिर बिल्कुल ही रुक गया। वफाक ने जिम्मेदारी ली, वफाक ने जिम्मेदारी लेकर उसके ऊपर इंटरनेशनल कंसल्टेंट आया, उसने अपनी डिजाइन रिपोर्ट कंप्लीट की, वापडा को ये जिम्मेदारी दी गई थी। पिछले हफ्ते वापडा ने रिवाइज PC1 प्लानिंग मिनिस्ट्री में, हमारी मिनिस्ट्री में जमा करा दिया। इंशाल्लाह ताला अगले 1 माह के अंदर इस मंसूबे की, K4 के मंसूबे की हतमी मंजूरी होगी और इस मंजूरी के बाद इसके ऊपर अगले ही समझ लें आप तकरीबन 2-2.5 माह के अंदर काम शुरू हो जाएगा और अगस्त या सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन पानी K4 के जरिए वफाक कराची तक पहुंचा देगा। 2 रेलवे के मंसूबे, 1 कराची सर्कुलर रेलवे, जो जहां भी मैं जाता हूं, जिस तरह वजीर आजम साहब आप जाते थे ना, तो आपको 15 साल 16 साल लोग यही कहते रहे कि यार आपको अच्छा फलाई काम करें, ये देखें सियासत तो ऐसी ही है, पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। मैं जहां जाता हूं मुझे लोग बोलते हैं ये KCR 30 साल से लोग करने की कोशिश करें, ये KCR नहीं हो सकता। हम कॉलेज में थे उस वक्त से हम बातें सुन रहे हैं। उस KCR के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी
कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया गया, FWO ग्राउंड पे मोबिलाइज हो चुकी है, वजीर आजम ने 2 माह पहले उसका इफ्तिताह किया था और ग्राउंड पर काम उसका शुरू हो चुका है। जो उसका बड़ा काम है जो निजी सरमायाकारी से करनी है, उसके लिए ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो है हतमी मराहिल के अंदर है, इस माह के अंदर अंदर तमाम मंजूरी दे दी जाएगी। आपको खुशी होगी वजीर आजम साहब, ये जिम्मेदारी लगाई गई थी SIDCL की भी। न सिर्फ पाकिस्तान की कंपनीज उसमें इंटरेस्ट शो कर रही हैं, इंटरनेशनल कंपनीज उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रही हैं और हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छी उसके अंदर बिड्स भी आएंगी और हाई क्वालिटी कंपनीज आके कराची के अंदर एक जदीद रेल का ज्यादातर ट्रैक जो है वो एलिवेटेड ट्रैक होगा और अगले साल इंशाल्लाह ताला उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। और आखिरी मनसूबा पेपरी फ्रेट कॉरिडोर, कराची में जो ट्रक्स आते हैं, सड़कें भरी होती हैं, आलूदगी होती है, सड़कें खराब भी होती हैं, सेफ्टी का हैजर्ड भी होता है, उसको कम करने के लिए, खातर खा कमी के लिए फ्रेट कॉरिडोर का मनसूबा है पिपरी से कराची पोर्ट से लेके पिपरी तक। आप समझ लें KCR से वो 1 माह आगे चल रहा है, तो अगर दिसंबर के आखिर तक KCR का अप्रूवल सारे हो जाएंगे, जनवरी के आखिर तक, फरवरी के वस्त तक उसका भी हो जाएगा। पांचों मंसूबों के ऊपर ठोस पेशरफ्त हो रही है, सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये यकीन रखते हैं कि ये जो पैसा हुकूमतों के हाथ में होता है ये अवाम की अमानत है, ये पैसा टैक्स का जो इकट्ठा किया जाता है ये दुबई में टावर खड़े करने के लिए नहीं, सरे के महल बनाने के लिए नहीं, पैनमा के जरिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, अरबों डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में डालने के लिए और हीरे के हार रखने के लिए नहीं, अवाम की जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए। इमरान खान के होते हुए अवाम का एक एक पाई जो है, एक एक पैसा जो है वो अवाम की बेहतरी के ऊपर खर्च हो रहा है। इंशाल्लाह ताला कराची वालों को मैं अब शायद हमारी बातों का, क्योंकि बड़े तरसे में कराची वाले प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी उन्होंने लोगों से वादे सुने हैं और कोई वादा पूरा नहीं करता, शायद आज के बाद लोगों को, कराची के लोगों को भी यकीन आना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कि शायद कराची को भी अब यकीन आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार पाकिस्तान में एक हुकूमत आई है वफाक में और ऐसा एक वजीर आजम आया है जो कराची को भी अपना उतना ही समझता है जितने कराची वाले समझते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी, दिल खुश हो गया कसम से, बहुत दिल खुश हुआ है, क्योंकि हम इसीलिए तो हम असद साहब को अपना अपना कहते हैं ना कराची का, बिकॉज कराची नीड्स टू गो अप एंड कराची को चाहिए ऐसे लोग। गवर्नर साहब आपको भी मैं मस्का नहीं लगा रही, मैं दिल से कह रही हूँ कि वाकई कराची को ऐसे लोग चाहिए जो डूअर्स हो, सिर्फ टॉकर्स ना हो, क्योंकि बातें करना बड़ा आसान होता है बट प्रूव करना। इसीलिए मैं वजीर आजम साहब को भी इतनी मैं उनकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, बिकॉज ही इज़ अ डूअर, जो भी जो कहे, जो कुछ होता है, जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, एंड इसकी इनसे बहुत मेरे दिल से रिस्पेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं कराची और हमने उनको वेलकम किया, और हम फिर से कहूंगी कि बहुत उम्मीद है कि आप आते रहें और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे शुरू होते रहें। इससे पहले कि मैं वजीर आजम साहब को इन्वाइट करूँ टू से समथिंग, उससे पहले एक बस का मॉडल है जो हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब और असद उमर साहब आपको प्रेजेंट करें। सो यस, सो प्लीज कम अप ऑन स्टेज, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोड्यूस मैंने करना है स्पीच से पहले। कुछ जरा तालियां हो जाए तो बहुत अच्छा है, कमजोर तालियां, जरा जोर वाली होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, और दिल से कहूंगी मैं ये कह लूं, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की आन है आप, हमारे वजीर आजम है आप, प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर साहब।